सो गाइस वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेगुलर फॉक्सी मेथड के ऊपर, जो कि मालूम तो वेरी प्रिलिमिनरी मेथड है ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड इसका जो एप्लीकेशन है बेसिकली बहुत पहले होता था, स्टार्टिंग की टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, बट ऑब्वियसली हम लोगों की जो सिलेबस है उसमें ये इंक्लूडेड है। बिकॉज अगर आप इनर मेथड स्टडी करने जाओगे, जो वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल न्यूमेरिकल टेक्निक है टू फाइंडिंग द रूट ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, देन उससे पहले ये जो प्रिलिमिनरी आइडियाज है ऑब्वियसली आपको होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड्स है, दैट इज सेकेंड मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर बाइसेक्शन मेथड जो है, ये स्टार्टिंग की टाइम पे इन्वेंट हुआ था सो दैट हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखो जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है, यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड इसको बोला जाता है मेथड ऑफ कॉर्ट, दैट इज मेथड ऑफ कॉर्ट या फिर फॉल्स पोजीशन भी बोला जाता है, फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड। तो ये तो नाम है इसका, एंड इसका जो भी वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है उसके ऊपर भी हम लोग स्टडी करेंगे, एंड एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम लोग इसका जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके सो देखो ये जो मेथड का अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली मैं ग्राफिकल वे में आपको समझाऊंगा, एंड उसका जो भी फॉर्मूला है वो भी राइट डाउन करूंगा। एंड रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है, इस टॉपिक को पर्टिकुलरली आप मिस मत करो, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है वो अगर आप मेरा ये वीडियो प्रॉपरली फॉलो करोगे एंड अगर आप नोट राइट डाउन करोगे खुद से, ओके, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये मैं आपके लिए ये क्लेम कर रहा हूँ कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो पर्टिकुलरली ये पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर लाने वाला है इस वीडियो में। ओके तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली सपोज आपके हाथ में जो इक्वेशन गिवन है, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो जो इक्वेशन गिवन है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्व होता है, दैट इज वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जो कार्व है, सपोज ये है कार्व, ओके, एंड ये कार्व एक्स एक्सिस को से इस तरह से काट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट, फाइन, से आपका इनिशियल जो अप्रोक्सीमेशन गिवन था वो था कुछ इस तरह कि दिस वन इज एक्स नॉट एंड दिस वन इज से एक्स वन, ओके, ये तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन था, एंड दैट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स वन जो है, एफ ऑफ एक्स नॉट ये आपके हाथ में है, एंड एफ ऑफ एक्स वन ये जो दो वैल्यूज है आपके हाथ में है, तभी ये गिवन डाटा की मदद से आप क्या करोगे, रूट का अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करोगे अभी रेगुलर फॉल्सी मेथड की मदद से। तो इसके लिए बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ड्रॉ करना है, दैट इज इस पॉइंट को अगर आप बोल रहे हो ए एंड इस पॉइंट को अगर बी बोल रहे हो, देन ए बी ये जो कॉर्ड है आपको ड्रॉ करना है, एंड ये कॉर्ड एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में कट कर रहा है ना, तो दिस इज योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड वी आर डिनोटिंग इट बाई एक्स टू बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज एक्स नॉट एंड एक्स वन, सो दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन विच इज एक्स टू। देखो ये है एग्जैक्ट सोल्यूशन, दैट इज अल्फा, एंड दिस इज योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अभी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, एंड दिस परपेंडिकुलर कट द कार एट दिस पॉइंट, ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपका सी पॉइंट, ओके, अभी सी एंड ये जो ए पॉइंट है इसको ज्वाइन करो, एंड आपको सेकेंड जो कॉर्ड है वो मिलेगा कुछ इस तरह, ओके, अभी ये सेकेंड कॉर्ड क्या कर रहा है, दोबारा से एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये बन गया आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एक्स थ्री बन रहा है, ओके, इसी तरह देखो एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड सो ऑन, इसी तरह आप क्या करोगे, अल्फा जो है दैट इज एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो बाई दिस मेथड विच इज मेनली रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखो
कॉन्स्टेंटली आपका क्या हो रहा है, जो पोजीशन है कॉर्ड एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में कट कर रहा है, ये पोजीशन जो है रेगुलरली चेंज हो रहा है, इसीलिए दिस मेथड इज कॉल्ड फॉल्स पोजीशन मेथड और कॉर्ड मेथड, दैट इज मेथड ऑफ कॉर्ड। ओके, तो अभी देखो ये तो मतलब आप कह सकते हो कुछ ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, इसकी मदद से हम लोग ये फ्लेवर तो मिल गया कि किस तरह से, ये देखो एक्स वन था पहले इनिशियल एक अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में एक्स टू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आप कह सकते हो दिस इज इनिशियल, दैट मीन्स जीरो द अप्रोक्सीमेशन, दिस इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, दिस इज सेकेंड अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन, इसी तरह क्या करता है एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है इसकी तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का क्या करना है, इसको ही मैथमेटिकली राइट आउट करना है। तो इसके लिए देखो फर्स्ट जो सिनारियो है दैट इज ए बी कॉर्ड जो है, ए बी कॉर्ड का हम लोगों को इक्वेशन लिखना है। तो ये तो सिंपल बात है क्योंकि बी जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा एंड ए पॉइंट का एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट मिलेगा, करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो इक्वेशन है ए बी कॉर्ड या फिर आपका ए बी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, वो होगा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अभी ये फर्स्ट जो सिनारियो में क्या कर रहा है दैट इज ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक्स टू कॉमा जीरो पॉइंट में कट कर रहा है, दिस पॉइंट है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें राइट डाउन करेंगे, तो जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, करेक्ट। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो आप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू आई थिंक एफ ऑफ एक्स वन, ओके। इसी तरह अगर आप एक्स थ्री फाइंड आउट करोगे, इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ओके, ए सी फाइंड आउट करना है एंड देन आप क्या करोगे उसमें ये जो सेम प्रोसीड्यूर है वो रखोगे, दैट इज एक्स थ्री कॉमा जीरो, ये लाई करेगा उस कॉर्ड के ऊपर, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन बाई एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू, ओके। इसी तरह ये प्रोसेस अगर आप रन करोगे नंबर ऑफ इटरेशन हाँ करने के बाद आपका जो भी डिजायर्ड एक्यूरेसी है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको जनरलाइज्ड तौर में अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, वो कुछ इस तरह हो जाएगा, एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस वन इक्वल्स टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन बाय एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स के, है ना। देखो दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ओके। तो ये गया रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड इसका वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल के लिए ऑब्वियसली आपके हाथ में ये दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए, उसकी मदद से आप क्या करोगे ये एक्स टू फाइंड आउट करोगे, ओके। एक्स टू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए ये फॉर्मूला आपके हाथ में है, ओके। देन एक्स टू जब मिल जाए उसके बाद एक्स थ्री फाइंड आउट करना है एंड सो ऑन, इसी तरह करना है अप टू आपका डिजायर्ड एक्यूरेसी तक, ओके। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको थ्री डेसिमल प्लेसेस या फिर अप टू थ्री डेसिमल एक्यूरेसी, ओके, वहाँ तक आपको ये रन करना है, फाइन। तो अभी इसके ऊपर तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहाँ से
एटलीस्ट दो तीन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप ट्राई करो, बट ऑब्वियसली हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। सो यही था इस वीडियो में। आज हम लोग थोड़ा टाइम की कमी की वजह से आज इस वीडियो में एरर का जो कि डिस्कशन है वो नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड का एरर के बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एरर फार्मूला से हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उसके लिए आप लोग वेट करो एंड टिल देन ये जो वीडियो है, इस वीडियो से जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है रेगुलर फॉल्सी मेथड रिलेटेड उसके ऊपर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप किसी स्टेप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर ओके। And definitely I will also solve one or two problem regarding this section in subsequent video. Okay, milte hain next video mein with its rate of convergence related portion and meet you soon. Bye.